Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप अपने 3x3 क्यूब को चीटिंग से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पता है कि कुछ लोग इस 3x3 क्यूब को सॉल्व नहीं कर सकते, तो चलते हैं अभी इसे स्क्रैम्बल करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ आप इसे चीटिंग करके आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रैम्बल मैंने बहुत बुरा कर दिया है अभी, अब आप देख सकते हैं मैंने पूरा क्यूब स्क्रैम्बल कर दिया है। अब आपने क्या करना है, ये जो लेयर होगी किसी भी साइड से होल्ड कर लेना है, इसे यहाँ पे सेट करना है और एक एज पीस निकाल लेना है और ऐसे ही करते करते सारे आपने निकाल लेने हैं, सारी चीज़ें निकाल लें, सारे कॉर्नर और एज आपने निकाल लेने हैं। अभी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी निकल जाए मेरे से। जब आपने ये ऐसे सारे निकाल लिए, ओ भाई निकल जा, ये आपने अपना सारा क्यूब ना डिसअसेंबल कर लिया, ऐसे आप समझें। अब आप इसे चीटिंग से आखिरकार कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अब आपने ना हर साइड पे ये वाइट रेड है, सबसे पहले आपने सारे एजेस लगा देने हैं, वाइट रेड को वाइट रेड के साथ ऐसे अटैच करने। अब वाइट ग्रीन हमें चाहिए, वाइट ग्रीन हमारे पास ये है, हम इसे यहाँ पे लगा देंगे, ये भी लग गया। अब हमें वाइट ऑरेंज चाहिए, वाइट ऑरेंज यहाँ पे ये हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, लास्ट तो देख के पता चल रहा है, वाइट ब्लू वो भी ये रहा। ये मुझे डर है कि ये डिसअसेंबल ना हो जाए दोबारा से, डिसअसेंबल हुआ तो हुआ लेकिन ये कुछ पीसेज हैं, ये असेंबल हैं, ये ना डिस, ओ भाई होने लगा, बच जा, मुश्किल ही लग रहा है। अब ऐसे असेंबल नहीं, बस ठीक है, ऐसे ही आपने सारा इस तरह प्लस बनाते जाने। अब येलो ब्लू है, ओ भाई ओहो यार ये वाले पीसेज मेरे निकल गए यार, चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा से कर लेते हैं। अब और क्या करें, ओ भाई अब वो दूसरा निकलने लगा, बच गया है, शुक्र है। जैसे ना ये स्लिप हो रहे हैं ऐसे है, मैंने सुबह इसमें पहले मैंने इस पर ना ल्यूब डाला था थोड़ा सा कुछ देर पहले, तो शायद इस वजह से। अब मुझे डर है कि ये डिसअसेंबल ना हो जाए, इसलिए मैं पहले मैं इसके कॉर्नर पीसेस भी साथ ही अटैच कर देता हूँ। काफ़ी बुरी तरीके से असेंबल हो रहा है ये, ओ भाई एक लेयर को ही इतना टाइम लगा रहा है ये क्यूब यार। अब ये वाला सही, आपने इस तरह से ये वाइट कॉर्नर पीस लगाया वैसे ही लगा दें, मैंने सोचा था हर तरफ से पहले प्लस बना के वैसे करूँगा, लेकिन यार यहाँ पे ऐसे डिसअसेंबल, ओ भाई ये क्या हो गया। अभी मैं उस पीस को उठाता हूँ, पता नहीं कहाँ गिर गया, पीस तो मैंने ढूंढ ही लिया। अब इसको यहाँ पे डालेंगे, फर्स्ट लेयर में बस थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, बाद में तो आसानियाँ ही आसानियाँ। अभी कुछ लोग कह रहे होंगे क्या यार इससे अच्छा तो हम क्यों भी सीख लें। अभी मैं वाइट और मुझे मिल नहीं रहा, कहाँ पे गए हैं, मिल ही नहीं रहा, ये रहा ये साइड पे पड़ा हुआ था, ये मुझे मिल चुका है। ये फिर डिसअसेंबल ना हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है ऐसे, ओए ओ यार बस चल जा प्लीज़। ये फर्स्ट लेयर मुझे बहुत तंग कर रही है अभी इस टाइम, बस ये लास्ट है फिर आसानी होगी हमारे लिए। शुक्र है यार मैंने अब इसकी फर्स्ट लेयर तो बनाई, अब सेकंड लेयर भी बना लेते हैं। ऐसे कुछ हम बनाएंगे, अब बहुत आराम से सेकंड लेयर असेंबल करने में यार मुझे बहुत मज़ा आता है। जिस मेथड से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप भी वैसे एक दफ़ा असेंबल करके देखें, आप बहुत ही अच्छे तरीके से असेंबल कर पाएंगे। अभी मैं एजेस, ये इस एज में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था लेकिन फिर भी शुक्र है नहीं खुला। अब लास्ट लेयर में थोड़ी सी मुश्किल होनी है,
क्योंकि ये यहाँ बहुत खपना है। अभी हमने इसमें यार अभी खैर इतनी मुश्किल तो नहीं आ रही, लेकिन वैसे आम तौर पे बहुत मुश्किल आ रही है। अभी वीडियो में आप लोगों को ये वाइट लग रहा होगा, लेकिन ये येलो है अगर आप गौर से देखें। वो भी लाइटिंग लाइट पड़ रही है इसीलिए। यार पता नहीं मैं कैसे सैंबल कर रहा हूँ इसे, मुझे खुद नहीं पता मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। ओ यार डिसअसेंबल नहीं होना यार, जा चलो कोई नहीं, हम कॉर्नर डाल लेते हैं पहले। अभी यार ये ल्यूब इसमें डला तो मेरे हाथों से ना ये फिसल रहा है जैसे। ओ यार डल जा, बहुत मेहनत लग रही है अभी। शुक्र है गाइस ये डल चुका है। अब ये लास्ट हमारा ये कॉर्नर पीस रह गया, ये भी हम इसी तरीके से, ये डालने में बहुत मज़ा आया। अब ये येलो ब्लू रह गया, यार हाथों से स्लिप बहुत हो रहे हैं। अभी मुझे पता है मैं एजेस बाद में डाल रहा हूँ, क्योंकि कॉर्नर्स में एजेस में पहले मुश्किल आ रही थी इसीलिए। अब ये लास्ट रह गया, तो मुबारक हो आप लोगों को, आपका ये 3x3 क्यूब सॉल्व हो चुका है चीटिंग से। आपने ये चीटिंग की है सॉल्व करने में, लेकिन यार हो तो गया सॉल्व। आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इस क्यूब को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 200 सब्सक्राइबर का टारगेट जल्दी से पूरा करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन देती रहे। मैं इस तरह ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा, तो आप सब्सक्राइब करें।